नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीईओ स्मार्ट सिटी श्री आशीष श्रीवास्तव ने देहरादून स्मार्ट सिटी पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कराए जा रहे सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसमें समयबद्धता के साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने मॉडर्न दून लाइब्रेरी की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से आम जनता को कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा इसके लिए समय समय पर ठेकेदार आदि के साथ भी बैठक आयोजित की जानी चाहिए, ताकि उन्हें आ रही समस्याओं का निराकरण भी किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में वर्षा जल को संरक्षण करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर अधिक फोकस किया जाना चाहिए। सीईओ स्मार्ट सिटी श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना की कुल लागत 1407 करोड़ रुपए है, जिसमें 100% टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं। इनसे संबंधित कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल का समस्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड, राजकीय इंटर कॉलेज खुरबुड़ा एवं राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल को शामिल किया गया है, जिसमें स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी कैमरे, अग्निमिशन यंत्र आदि की व्यवस्था है। इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगोली एवं सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।